हेलो दोस्तों, मेरा नाम जतिन है और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने एक और ट्रैवल व्लॉग में। और आज इस वियतनाम ट्रैवल सीरीज का लास्ट पार्ट है, यानी पार्ट 8। हम पहुंच चुके हैं बाली, वियतनाम में, फिलीपींस। हम चले हैं मकाओ, अगर आप ट्रैवल रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबाइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा लास्ट डे है और आज हम जा रहे हैं चूची टनल। नाम बहुत अजीब से है, जमीन के अंदर वो टनल्स बना रखी है। अब देखते हैं सब कुछ ठीक ठाक रहे तो हम आपको घुमाएंगे, उसके बाद हम वापसी आएंगे। शाम की हमारी रात की फ्लाइट है और हम जाएंगे फिलीपींस और आपको उसके बाद फिलीपींस घुमाएंगे। सो गाइस, चलते हैं चूचा टनल। अगर आप उसको गूगल पर सर्च करोगे आपको पता चलेगा, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। थोड़ा आपको बताना चाह रहा था कि हमारे साथ फिर KLPT कर दी गूगल ने। सुबह दिखा रहा था चूचा टनल जो है अराउंड 45 किलोमीटर, और एक घंटे का सफ़र। हमने बाइक करी और हम आ गए चूचा टनल पे। और यहाँ आके क्या पता चलता जी हमें, भाई चूचा टनल तो उन्होंने बिल्डिंगों को बीच में उतार दिया, यहाँ को चूचा टनल तो छोड़ो कुछ नहीं है। फिर मैंने गूगल को पूछा, भैया कहाँ है चूचा टनल, और फिर गूगल ने बताया, भैया होचोमो सिटी से 250 किलोमीटर की दूरी पे है। बड़े पागल बनाते हो सालो, ऐसे कोई होता है, है? पैसे भी बर्बाद कर दिया, टाइम भी बर्बाद कर दिया, कुछ और प्लान कर लेते भैया, क्या किया जाए। अब देखते हैं कुछ आसपास कुछ होगा घूमने का तो आपको घुमाता हूँ। गेट इनसाइड टू एंजॉय वंडरफुल परफॉर्मेंस। आई थिंक ये टॉप सेंट्रल अट्रैक्शन, ये कुछ स्टेडियम टाइप की चीज़ है जहाँ परफॉर्मेंस वगैरह होती हैं, प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ क्या है, आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा। बाकी काफ़ी खूबसूरत है। पास में जाके पड़ा तो ये MP थिएटर था जिसके अंदर परफॉर्मेंस दी जाती है, और इसके शो के टाइमिंग थे। तो भैया हमने तो वो शो देखना नहीं था क्योंकि हमारा लास्ट डे था, इतना टाइम यहाँ डिवोट करने का कोई सेंस समझ नहीं आया। और ये बीचों बीच है, काफ़ी लोग फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं। मैं कहा चलो लगे यार हम भी फोटो खिंचवा ही लेते हैं। तो उसके बाद मैं निकला वहाँ से और मैंने देखा नियर बाय कौन सी मार्केट पड़ती है, वहाँ चलते हैं। मार्केट का नाम था अनदोंग मार्केट। करेंसी एक्सचेंज करनी होगी तो ज्वेलरी शॉप पे बेझिझक घुस जाना, वही करेंसी एक्सचेंज करके देते हैं। मैं कैमरा निकाल नहीं रहा, फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि बारिश हो रही है। तुम तम मई दिच पिच बाबू, वैसे कुछ नाम है जगह का। सो गाइस, आ गए हम एक और मार्केट में, जैसे कि मैंने आपको बताया है बाहर से आपको दिखाया है। तो ये मार्केट में भी मसालों की मिली जुली मार्केट है, तो आपको थोड़ा विज़िट कराते हैं, दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। आप देखोगे तो ड्राई फ्रूट मार्केट लग रही है मुझे। चलिए थोड़ा थोड़ा घूमते घुमाते हैं, अगर लोग बुरा ना माने तो। मार्केट को छोटी मोटी मार्केट नहीं थी, बहुत बड़ी मार्केट थी और ये फ्लोर वाइज डिवाइड थी। व्हाट इज़ दिस? सबसे पहले मैं बेसमेंट में गया, बेसमेंट में देखा बहुत सारे मसाले और फूड स्टॉल्स लगे हुए थे, पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो वहाँ पे मछलियाँ प्रॉन्स उन सब चीजों को सुखा रखा था, देख के काफी हैरानगी हुई। और तो और वहाँ पे इन सब चीजों का अचार भी बेचा जा रहा था। क्या क्या चीजें हैं, ये सारे सी फूड जो आइटम होती हैं उनके अचार हैं मेरे ख्याल से। प्रॉन्स दिख रहे हैं, क्रॉक्स दिख रहे हैं, तो उनके अचार हैं। वहाँ पीछे उन्होंने लंबी लंबी जो मछलियाँ होती हैं सांप की तरह दिखती हैं, उनकी भी उस ड्राई वो कर रखा था। हेलो, ये पहली मार्केट है जो खुश हैं, अदरवाइज वाले कई लोग तो गलत कर रहे हैं। हाउ मच फॉर दिस? 250 ले सकता हूँ। अच्छा रेट ठीक है, पर मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, अभी 2-3 कंट्री में और जाना है, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा सामान है, तो ये ले लूँगा तो मेरी तो हालत हो जाएगी ख़राब। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी थे, पर मैं ये चीज़ें देख के काफ़ी हैरान हो गया। ये ग्राउंड फ्लोर पर ये चीज़ें हैं और अपर फ्लोर पर अलग चीज़ें हैं। यहाँ खाने का भी है, यहाँ लोकल फूड है, यहाँ अगर आप नया ट्राई करना चाहते हो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। चिकन वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी, वैसे तो आप देख सकते हो।
फूड काउंटर, और हाँ उसके बाद निकलोगे यहाँ बर्तनों की मार्केट है। यहाँ पे क्रॉकरी बर्तन आप देखोगे तो ये सारी आइटमें हैं। फिर परचून की दुकानें हैं, मसाले सॉसेज रतन पटन ये जो सामान होता है इन सब की मार्केट है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मार्केट है इधर से, मतलब मिक्स बाजार है। और ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं, ऊपर ये कपड़ों की मार्केट है, ग्लासेस है, परफ्यूम्स हैं, चश्मे वगैरह की मार्केट है। हाउ मच फॉर दिस? 200 कॉस्मेटिक्स की लेके। और मुझे लगता नहीं ये होलसेल मार्केट है, नॉर्मल रिटेल शॉप है। काफ़ी सारी शॉप है शॉपिंग के लिए, आप लोगों के लिए बढ़िया जगह है, देख रहे हो। पर रेट बार्गेनिंग आपको खुद ही करनी पड़ेगी। हेलो, तो मार्केट काफ़ी बड़ी है यार, सच बताऊँ तो। आप ना डेफिनेटली आओ इस मार्केट में, भी मुझे पता नहीं था ये, तो मैंने ऐसे ही सर्च करा और मार्केट जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गया, पर ये मार्केट मुझे अच्छी लग रही है शॉपिंग के हिसाब से। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर काफ़ी मज़ा आया है मेरे को, काफ़ी चीज़ें एक्साइटेड हो गया पूछने के लिए। पर आपको पता लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, कम से कम 350-400 रुपये की बच्चे की कैब। हाउ मच? 600। ये कह रहे हैं सेल नहीं सिंगल करते, यहाँ तो होलसेल मार्केट मुझे लग रही थी। कुछ लोग अच्छे हैं जो हंस के स्माइल के बात करते हैं, कुछ लोग कल पे बैठे हैं, पता नहीं घर पे लड़ाई करके आए हैं या फिर सुबह से बोनी नहीं हुई या जो भी कुछ कह लो, हर तरह के लोग पकड़ते हैं। हेलो, काफ़ी सारे शूज़ की शॉप है ये, जिसका जो मन करता है वो मांग लेता है। पर मुझे लगा यार ये होलसेल मार्केट है या रिटेल मार्केट है, कुछ समझ नहीं आया, ना होलसेल वाले थे ना रिटेल वाले थे, यानी ये सामने वाले को देख के थप्पड़ मारने वाले रेट थे। और ख़ासकर लेडीज, ओनली गर्ल्स लेडीज, जेंट्स के लिए हैं तो कच्चे, सिर्फ कच्चे। पर मुझे कुछ रेट उनके समझ नहीं आए तो शॉपिंग तो मैंने करी नहीं। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और कम से कम मैं पौना घंटा एक जगह नीचे फर्श पे बैठा था, वहीं मार्केट के बाहर जिस मार्केट को मैं दिखा रहा था। काफ़ी देर हम बारिश का वेट करते हैं रुकने का, आज होटल जाके तो रेस्ट करेंगे क्योंकि रात की फ्लाइट है, ऑलमोस्ट पूरी रात जागना है। और सुबह पहुँचेंगे मनीला, उसके बाद वहाँ से ज़रा वीज़ा प्रोसीजर और सारी चीज़ें करते हुए होटल पहुँचने में मेरे ख्याल से सुबह ही हो जाएगी अच्छी खासी। तो मैं वहाँ से फिर निकले और होटल पहुँचने का रेस्ट करा और मैं निकल गया अपने एयरपोर्ट के लिए। आ गए हैं एयरपोर्ट और अभी रात की फ़्लाइट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था हम जा रहे हैं फिलीपींस, एफ़ में जाना है हमें। एफ़ तो हमारे साथ ही है, वेरी गुड। बोर्डिंग के लिए लाइन लगनी शुरू हो गई थी, तो गाइस अभी ने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया, बोर्डिंग क्लियर कर लिया, सामान भी चेक करा लिया, हम ड्यूटी फ्री में घुस चुके हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ तो फिलीपींस का आपको वीज़ा इंडिया से अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है, अगर आपके पास सिंगापुर का 2 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है उस पर अगर आपने ट्रैवल कर रखा है तो आप फिलीपींस जा सकते हो, ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। इस वक्त आप फ्री हैं, अब हम रिलैक्स होके बैठेंगे, फ़ोन चार्ज करेंगे, एक दो पबजी की गेम खेलेंगे, टाइम पास करेंगे। तो देखते हैं कुछ खाने को क्या मिलता है, क्योंकि मेरे पास करेंसी भी बची हुई है। इनके दोनों एयरपोर्ट साथ साथ हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। भूख लग रही थी और हमने लिया है ये फ्रूट सैलेड और एक बनाना केक था जो कि मैं खा चुका हूँ फटाफट। और मेरी फ़्लाइट इस वक्त बज रहे हैं 11, मेरी फ़्लाइट 1 बजे लगभग 2 घंटे बाद। और उसके बाद मैं पहुंच गया फ्लाइट में अपने, यहाँ पे एयर एशिया इंडिगो गो एयर चलती हैं, वैसे वहाँ की ये लोकल फ्लाइट थी क्योंकि इंटरनल कंट्रीज में चलती हैं। एक चीज़ नोटिस करी, फ्लाइट की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी, काफ़ी स्पेशियस थी। फाइनली पहुंच गए फिलीपींस, रात की फ्लाइट थी, खाने वाने को ले ही लिया था और मेरी आँख लग गई। और सुबह जब आँख खुली और देखा मैं पहुँच चुका हूँ फिलीपींस। सुबह इमिग्रेशन में क्लियर कर ली है, मेरे से आगे एक और चाइनीज था, पता नहीं उसको क्या बोला वीज़ा फॉर्म भरने को और वो चले गया। मुझे भी डाउट हुआ यार, पता नहीं मुझे भी ना भरने को बोले, पर मैंने जब इमिग्रेशन के लिए गया उन्होंने सिंपली पूछा कि आपका जो वीज़ा है सिंगापुर वाला मल्टीपल, आपने इस पर ट्रैवल करा है? मैं कहाँ जी करा है। और उसके बाद उन्होंने पूछा कहाँ आपने होटल ले रखा है, मैंने अपना वाउचर दे दिया है। 3 दिन के लिए आए हो यहाँ पे? हाँ, मैं 3 नाइट्स के लिए आया हूँ। तो वो मैंने दिखाया, उन्होंने मेरे को क्लियर कर दिया, फंड में नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, इतना ही पूछा। और उसके बाद पूछा कि ओके बैग तो उठा लिया, पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि सुबह को रहे हैं 5:30, चेक इन नहीं मिलता 2 बजे से पहले, अब क्या किया जाए? 5 बजे फ्लाइट आने के बाद ज़्यादा कम से कम 2-2.5 घंटे का प्रोसीजर होगा जैसे बैंकॉक में होता है, इन्होंने तो 30 मिनट में निपटा डाला है। थोड़ा सोच रहा हूँ टाइम पास कर लिया जाए। वहाँ से मैंने ये फ्रूट सैलेड लिया था जो कि अभी तक खाया नहीं, बैठ कर टाइम पास करते हुए खाते हैं। उसके बाद करेंसी नहीं है, अब इसका ऐसा जुगाड़ करेंगे
और आराम से चलेंगे। अभी होटल का अपना सर्च करके देखता हूँ कितनी दूरी पड़ता है अपना होटल। होटल में जाने का फ़ायदा नहीं है, इससे बढ़िया थोड़ा यहीं टाइम पास कर लेते हैं, तो इतनी जल्दी दिक्कत हो जानी है। चलो गाइस, बहुत सिंपल प्रोसीजर था, हो गया इमिग्रेशन। उसके अलावा अगर आपका वीज़ा नहीं लगा हुआ तो वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा इंडिया से, और यहाँ मेरे को कोई वीज़ा फ़ी भी नहीं देनी पड़ी, फ्री ऑफ एंट्री मिलती है फ्री, अदरवाइज की 4,500-5,000 रुपये फीस है। चलो अब इस बारे में थोड़ा डिटेल पर बाद में ब्लॉग बनाएंगे, आपको बेसिकली बात बता दी कि मैंने एंट्री कर ली है मनीला के अंदर। मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। इस ब्लॉग को अब यहाँ खत्म करूंगा, और वियतनाम सीरीज जो कि मैंने वियतनाम में जितना टाइम बिताया है वहाँ पे क्या क्या चीजें की, कितना खर्चा आया, क्योंकि वियतनाम में मैंने 5 नाइट का होटल बुक करा था। मेरा जो बाली से वियतनाम आने की फ्लाइट का खर्चा कितना है, और अभी जो मैं फिलीपींस जा रहा हूँ वियतनाम से उसकी फ्लाइट का खर्चा कितना है, और मैं कहाँ से बुकिंग करता हूँ, होटल सर्च कहाँ पे किया जाए, आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए और क्या चीजें करनी चाहिए, कौन सी सिम लेनी चाहिए, करेंसी कहाँ से एक्सचेंज करनी चाहिए, इस सारी डिटेल्स का एक छोटा सा व्लॉग और डालूंगा, क्योंकि इस व्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं कर रहा, इस व्लॉग को मैं जल्दी खत्म करूंगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, अपने सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है jatin.amholidays, एम हॉलीडे मेरी ट्रैवल कंपनी है, ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो आप मेरे से कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इंस्टेंट देखना चाहते हो मैं कहाँ ट्रैवल करता हूँ उसका अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। के अलावा मैं एंटरटेनमेंट पसंद करते हूँ, मैं टिकटॉक पे भी हूँ, मेरी आईडी है jatin.byala के नाम से, तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर लीजिएगा। इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।